हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं निकल चुका हूँ जानेश्वर पार्क, यानी गानेश्वर पार्क जो है लखनऊ का सबसे बड़ा पार्क है, वहाँ मैं जा रहा हूँ दोस्तों। और ये जो आपको नहर है गोमती नगर, गोमती जो है गोमती जो ब्रिज है वही है, गोमती जो रिवर है उसका ही ब्रिज है दोस्तों। तो यहीं पर है आपको गोमती रिवर फ्रंट, जो बहुत बार आप सुने होंगे वहीं पर है दोस्तों। और ये हम निकल रहे हैं आपको जो है ये गानेश्वर पार्क, तो जानेश्वर पार्क से हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे क्या है दोस्तों। और ये हम जो है वहाँ पहुँचने वाले हैं और कुछ ही देर में आप पहुँच जाएंगे। आप ये रास्ता का जो है यानी रोड व्यू आप देख रहे हो। और यहाँ अभी भी यहाँ पे मैंगो जो है सेल हो रहा है। और ये जो है दोस्तों मैं वहीं पहुँच चुका हूँ। और ये गेट है आगे, जानेश्वर पार्क का वो गेट है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे मिसाइल रखा हुआ है। तो ये आपका जो है फ्रंट व्यू है। आप यहाँ से जो है आप लोग एंट्री करके हम लोग यहाँ पर पहले आएंगे। और ये जो फ्रंट व्यू बहुत ही खूबसूरत है, आप ये देख रहे हो गुब्बारा फव्वारा भी है दोस्तों यहाँ पे। और ये जो है दोस्तों हम अंदर एंट्री कर चुके हैं, आप ये देख रहे हो रॉकेट का भी बना हुआ है स्टेचू, या प्लस यहाँ पे गणेश्वर मिश्र जी का भी है स्टेचू। और ये आप देख रहे हो बहुत बड़ा पार्क है लखनऊ का। और यहाँ पे बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं दोस्तों, शाम के समय में टहलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए भी आते हैं। देख रहे हैं जनेश्वर मिश्र जी की मूर्ति भी आपको यहाँ पे है, सब कुछ है यहाँ पे है दोस्तों। और ये बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम एक है दोस्तों कि आप चाहोगे कि फ्लावर मिले यानी अलग अलग कलर का, तो ये थोड़ा मुश्किल है। पर फिर भी आप खजूर हो गया और से बहुत सब पेड़ है, या फिर आपका जो ग्रास का जो है ये आपको हर जगह मिलेगा। आप ये सब ऐसा पौधा जो है आपको देखने को हर जगह मिलेगा। मगर आप सोचोगे कि हमको सिर्फ जो है आपको सिर्फ फ्लावर दिखे तो मुश्किल है। और ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पर रखा गया। देख रहे कितना खूबसूरत जो है दोस्तों, और बहुत ही साफ सुथरा है दोस्तों। हर जगह डस्टबिन मिलेगा आपको देखने के लिए। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिएगा, अगर आपको पूरा यानी उस पार्क के बारे में जानना है तो आप पूरा वीडियो को आप देखते रहिएगा दोस्तों। चलिए आप वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। अब दोस्तों हम लोग जो है घूम चुके हैं और घूमने के बाद हम निकल रहे हैं, क्योंकि शाम जो हो चुका है, अब सूरज ढल रहा है, तो इस कारण से हम जा रहे हैं, अब निकल रहे हैं और निकलेंगे हम। खाना पीना भी खाना है मार्केट में ही, तो वहाँ मैं निकलूँगा। अमीनाबाद जो मार्केट है वहाँ पे एक जो गली है वहाँ पे सिर्फ खाना ही मिलता है दोस्तों।
और मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप का खाना मिलता है और कितना भीड़ वहाँ पर होता है खाने के लिए। सिर्फ उस गली में लगभग 1 किलोमीटर गली और पूरा खाने के लिए ही आपकी पूरा भीड़ आपको दिखेगा दोस्तों। ये हम जो है रिटर्न जा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है शाम के समय में जो है लखनऊ, और तिरंगे का कलर का जो है आपको हर जगह लाइटिंग हो गया, तिरंगा हो गया लगाया गया हुआ है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है लखनऊ। दोस्तों ये मैं मार्केट में पहुंच चुका हूं, यार भीड़ देख रहे हो, सब यहां सिर्फ खाने के लिए मिलता है दोस्तों। ये राबड़ी हो गया दोस्तों, अलग अलग यहां पे आइटम है, शाही ब्रेड है, तो हम लोग वहां पे बिरयानी खाए थे दोस्तों और कबाब था दोस्तों, साथ में पराठा था, सलाद भी था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत टेस्टी खाना था दोस्तों। और वो यहाँ पे जो है खाने के लिए भीड़ जबरदस्त लगा हुआ था दोस्तों, ये देख रहे हैं आप कबाब लेने के लिए कितना भीड़ है दोस्तों। यहाँ पे स्वीट के जैसे यानी मिठाई का डब्बा में आपको पैक कर करके आपको यहाँ भेजा जा रहा है। बाद में हम लोग दोस्तों रात को 11 बजे जो है होटल से ऑर्डर किए थे, ये जो पुलाव हो गया था दोस्तों, मटर पुलाव था और शाही पनीर था और साथ में आपको अचार था, पराठा था दोस्तों, सॉरी रोटी था दोस्तों। ये आपको होटल का है मेरे, और हमारी जो बच्ची है बहुत तंग यानी परेशान कर रही है, बहुत आवाज़ कर रही है, बहुत टेस्टी में बहुत अच्छा लगा देखने में, कोई खास प्राइस नहीं था, लगभग आपको 250 रुपये में आपको पूरा टोटल जो खाना था हम लोगों ने खाया दोस्तों वहाँ पे। खाने के बाद से फिर जो है, और इसमें 2 आदमी का खाना था दोस्तों, तो कोई खास नहीं था, बेटी खाने के लिए परेशान है इसलिए बहुत आवाज़ कर रही है वो मेरी बेटी। अब हम दोस्तों यहाँ से निकलेंगे आगरा के लिए, जो और भी वीडियो है आप देख लीजिएगा कंटिन्यू, उसके बाद से आगरा जाना, आगरा का वीडियो आ जाएगा। और ये हमारी नन्ही सी बेटी है, सोचा लास्ट में कुछ फोटो लगा दूँ अपनी बेटी का भी। चलिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।